As elections draw closer in Haryana, top leaders have their say on the battle for the 10 seats in the state. Viewers, the state will go to polls on the sixth phase, which is to take place in a mere few days. The battle for the 10 seats is heating up, and leaders have spoken exclusively to NewsX. Remember, the Bharatiya Janata Party swept all the seats the last time around, but there have been rumbles that have been taking place recently as far as the formation of the state government is concerned. Will this have an impact or not remains to be seen, or whether a rerun of 2019 will take place also remains to be seen. We have spoken to senior BJP leader Ranjit Chautala, as well as Naveen Jindal and Congress leader Kumari Shailja on this matter. Let's take a look at these conversations. हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, अनेकों काम ऐसे लटके पड़े हैं कि ये अब समय खत्म नहीं हो, आधे घंटे से बोल रहा हूँ खड़े हैं। आप अंदाजा लगा लो कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना मोदी साहब के लिए प्यार है। लोग एक बात मान के चल रहे हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी, हर सेंसिबल आदमी अपना हाथ दूसरी तरफ कर ही नहीं सकता। सब समझते हैं कि इन हालात में, इस देश में जो कंडीशंस हैं, नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उस इंडिया पे कैसा भरोसा करें जिसमें 12 पार्टियां, 12 पार्टियों के 12 सिर होंगे, 24 हाथ होंगे, 24 टांगे होंगी, और पता नहीं वो आपस में इस बात पे लड़ेंगे कि लालू के बेटे को एक साल बनाओ, एक साल मुलायम के बेटे को बनाओ, एक साल केजरीवाल को बनाओ, एक साल राहुल को। ऐसे देश थोड़ा ही चलता है, देश तो एक आदमी से चलता है। उनकी दावेदारी, वो दावेदारी ही करती है। पहले यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक उनके परिवार को पालने पोसने का, राजनीति में तो लोगों का जब तक आशीर्वाद ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, वो पूरा लंबे समय तक किया, फिर अचानक छोड़ करके चली गई 20 साल पहले यहाँ से। आज उनको चुनाव लड़े हुए, आखिरी चुनाव 28 साल हो गए, 2 पीढ़ियाँ बदल गई इतने में। और फिर उसके बाद अंबाला के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दोबारा यहाँ पर आ गए। तो ये एक संस्कृति नई चल पड़ी है कि कोई हरा दे तो वहाँ से मैदान छोड़ करके भाग जाओ, ये भगोड़ा संस्कृति। चुनाव ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और पार्टी अच्छी मजबूती में है, लोगों का भी थोड़े से पीछे, लोगों का भी रुझान अच्छा लग रहा है, लोगों में उत्साह है। ये चुनाव तो लोग लड़ रहे हैं और हमारे वर्कर लड़ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 400 पार है, आंधी है, बहुत सारी चीज़ें। देखो, इनकी आदत है भ्रमित रखना लोगों को, लेकिन अब असलियत सामने आ गई है तो ये भ्रम भी इनका नहीं चलेगा। और एक और बात मैम, जिस तरह से कांग्रेस ने हालांकि लगातार ये बात कही है कि रोजगार के मुद्दे पर भी ये लोग बात नहीं करते हैं, महंगाई के मुद्दे पर भी बात नहीं करते हैं, तो इस तरह की स्थिति में जो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद ये सब ज़रूरी है देश के लिए, जिस पर बीजेपी लगातार लगी हुई है, उसमें मोदी का जीतना ज़रूरी है। तो राष्ट्रवाद तो इस देश में हमेशा रहा है, आज़ादी की लड़ाई से, तब भाजपा या इनके जो उस समय के थे कहाँ थे वो। ये तो देशभक्त रहा है, ये देश, हर एक भारतवासी देशभक्त है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.